नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी चैनल में। और दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी का रहेगा क्रिया, यानी कि वर्ब। क्या पढ़ेंगे हम? क्रिया पढ़ेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो कभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लास्ट में भूल जाते हैं आप। ठीक है, चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज क्रिया, यानी कि वर्ब। क्लियर? अब इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पहले बात करते हैं परिभाषा क्या होती है। परिभाषा बात करते हैं, कहता है जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना। पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। समझ में? मतलब कोई भी चीज़ कार्य करे, जैसे मैंने ऐसे अगर मैं पसीने पहुंच रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो यहाँ कार्य किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिया। क्लियर? अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे पढ़ना, चेंज कर लेते ना, पिंक्स अच्छा सा नहीं चल रहा। ब्लू ले लेते हैं। जैसे पढ़ना हो गया आपका, क्लियर, लिखना, और आप उठना बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से कोई भी आदि, आदि मतलब एटसेट्रा बोलते हैं ना, ETC। क्लियर? तो ये आपकी क्रिया की परिभाषा। समझ में आया गाइस? अब आगे चलते हैं, क्रिया के मुख्य प्रकार क्या होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्रिया के मुख्य दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दिख रहा है? जैसे कि पहला होता है हमारा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्लियर। अब इसको डेफिनेशन समझते हैं, क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन। जिसे पूरा होने के लिए कर्म, ये लिए है, ठीक है, कर्म की, हाथ में दर्द हो जाता है यार, आवश्यकता, आवश्यकता हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से पढ़ना बोल सकते हैं आप ना,
देखिए ये तो ही होगा, इसमें अब हम पता कैसे चलेगा, मेन दिक्कत ये आती है। आप सिंपल सा याद कीजिए, जिसे पूरा होने के लिए ना सवाल बने, मतलब क्वेश्चन अराइज हो, सवाल बने, क्लियर? तुमने आज क्या पढ़ा, ठीक है ना? आप बोलोगे मैंने आज मैथ की क्वेश्चन करे, मैंने इंग्लिश पढ़ी या हिंदी पढ़ी, मैंने आज क्रिया पढ़ा चैप्टर, तो यहाँ पे एक सवाल बन रहा है हमारा, तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और दूसरी होती है हमारी सेकंड है अकर्मक। अकर्मक क्या होती है? जिसे पूरा होने के लिए कर्म, आगे ना कर्म की आवश्यकता ना हो। क्लियर? समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। उठना, बैठना, रोना। क्लियर है? तो इस टाइप से ये हैं। अब इनको आगे थोड़ा एलोबरेट करके समझते हैं, इसके कुछ नियम हैं, इनको आगे पहचाने कैसे कौन सी अकर्मक कौन की सकर्मक है आपको, ठीक है? उसके लिए चलते हैं आगे। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें रखते हैं हम, लगा देते हैं क्या, किसको, इसके जो नियम होते हैं इसे पहचान करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट गुजर, थोड़ा अंदर हो रहा है, इतना मोटा पेन होता है, ये पकड़ने में दिक्कत होती है। इसको कह सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए, क्रिया से पहले क्रिया या कर्म किसको, दर्द कर दिया उसने, क्या या किसको, यहाँ दिख रहा है आपको क्लियर, क्या या किसको लगाकर या लगाने कर लीजिए, लगाकर चेक करते हैं हम। तो हमें क्या मिलता है? उत्तर मिलता है, उत्तर मिलेगा या नहीं, तो इससे हमें पता चल जाता है। जैसे आप समझते हैं इसको आगे सेलिब्रेट करके, अगर उत्तर मिला, उत्तर मिला और उत्तर ना मिले, उत्तर ना मिले, उत्तर मिलेगा तो क्या होगा हमारा? सकर्मक। ले लो भाई, जो सब्जी लेनी हो तो बाहर बेच रहा है,
क्या करें बेचारे, इनको भी लॉकडाउन हुआ, पढ़ाई परेशान है सब, कोरोना सबका हाल खराब कर रखा है ना। किला आ गया भाई समझ में आपको? अगर उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। तो इस टाइप से ये हमारा नियम पता चलते हैं, इसको क्या किसको नियम से हम इसको पहचानते हैं आराम से। क्लियर है गाइस? आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में बात करते हैं। भेद तो कर ले, उपभेद करते हैं इनके ना। अब बात करेंगे हम क्रिया के उपभेद कितने होते हैं, छह होते हैं। कितने होते हैं? छह होते हैं। जैसे पहले की बात करते हैं हम, पहला होता प्रेरणा थक, प्रेरणार्थक क्रियाएं। आधी स्क्रीन पर तो मैं आ जाता हूँ, आपको दिखाई देता है, तो इसलिए सारी गिर जाती है, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ता है और स्लाइड चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं नहीं दिखाई दूंगा आप बोर होते रहोगे। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहेगा बीच में ना। अब करते हैं इसमें कर्ता, कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल कहता है धुलवाना, नेक्स्ट है पकवाना, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं आपके। लाइक एग्जांपल ले लीजिए आप, इसमें हंसना, ये क्या हो गया आपका मूल रूप हो गया, क्या हो गया मूल। अब इसमें प्रथम की बात करेंगे और द्वितीय की बात करेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा प्रेरणार्थक। क्लियर? मैं क्रिया ही नहीं लिख रहा इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप देख लेंगे उसको, अंडरस्टूड है ये। हम अब ग्रीन पेन ले लेते हैं, चलो अब पिंक लेते हैं ना, पिंक 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 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे हंसना का क्या होगा, हंसाना, और द्वितीय क्या होगा हंसवाना। क्लियर गाइस? तो ये चीज है आपकी। अब इसमें सेकंड चलते हैं, सेकंड जो है हमारा सेकंड पॉइंट हमारा पूर्व कालीन, जैसे पूर्व कालीन, कालिंग बोल दिया, कालिक बोल दिया, पूर्व कालिक, सही आ गया, हाँ पूर्व कालिक क्रियाएं। क्लियर? अब इसमें कैसे करेंगे आप, इसको कैसे समझ लीजिए, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। लाइक मतलब कि पहले घटित हो रही है ना, तो एक तरीके से ऐसी क्रिया जो किसी
क्रिया से ठीक पहले घटित हो, घटित हुई हो। क्लियर? इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको हम, जैसे कि आप ले लीजिए खाना खाकर चाय पीकर, मैं जस्ट अभी चाय पीकर आया हूँ, मैंने जस्ट अभी खाना खाकर तुम्हें से मिलने आया हूँ, तो इस टाइप से हो जाते हैं आपका। क्लियर? अब इसमें जो थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड होगी आपकी नाम धातु। नाम धातु क्रियाएं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसी क्रिया है जो संज्ञा या ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से, विशेषण आ गया, चलो यहाँ नीचे लिखते हैं, विशेषण से बनाई गई हो। क्लियर? अब एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं क्या कह रहा है आपका ये। इसको थोड़ा सा हम ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं अभी। ठीक है, जैसे नाम धातु में हमने इसको कैसे समझेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं इसको हम, इसे लिख लीजिए संज्ञा, ले लीजिए आप, है ना, इसको लिख लीजिए संज्ञा स्लैश विशेषण, और यहां ले लीजिए आप क्रिया एक तरीके से ना। अब क्या कह रहा है, जैसे पहला ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, समझा देता हूँ आपको। ये पिंक हो गया पेन, जैसे हाथ है, और दूसरा लीजिए बाल। अब हाथ का क्रिया क्या आ जाएगा, हथियाना, समझ गए? बाल का बात, सॉरी बाल नहीं, बलियाना नहीं हो, बात कर लीजिए इसको, ये ना। बलियाना नहीं हो, बतियाना होगा ना, बतियाना, समझ गए? तो ये होती है नाम धातु, ऐसी क्रिया जो संज्ञा विशेषण से बनाई गई हो, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में मिलके बन रही हो, उसको बोलते हैं नाम धातु क्रियाएं आपका। क्लियर? अब है फोर्थ, फोर्थ बोलेंगे आप संयुक्त क्रियाएं। क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एक से अधिक धातुएं, धातुओं यानी कि क्रियाएं बोल सकते हैं आप इनको, क्रियाओं हुआ है ना,
के योग। से बनने वाली के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लाइक आप लीजिए रमेश घर पहुंच गया। और दूसरा एग्जाम्पल होता है ले लीजिए वह घर ना वह छत से कूद पड़ा। तो इसमें क्या आ गया, एक तो पहुंच आ गया, पहुंच गया और ये कूद पड़ा, तो ये संयुक्त हो गया आपके, ठीक है। उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया आपका, क्लियर। अब आगे चलते हैं। सेवेंथ हो गया, सिक्स्थ हो गया, संयुक्त हो गया। अब आ लेते हैं पांचवा आप। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की बात करेंगे, क्या होंगे? ये बोलता है दो कर्म वाली क्रियाएं, समझ गए। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है माँ ने राम को सेब खिलाया, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया, राम आ गया और सेब आ गया, तो ये दो क्रिया की बात होगी आपकी, क्लियर। और सिक्स्थ बात करते हैं हम, सिक्स्थ है आपकी सहायक, क्रिया लिख लेना आप, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। जैसे मुख्य क्रिया को पूरा करती है, आ गया तक, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर समझें, लाइक वह खेल चुका है, देखा हिंदी में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत तो पड़ती नहीं, आप समझते हैं इस चीज को, क्लियर। तो मैं इतना ही बता देता हूँ आपको, ये आपको हिंदी में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। बस ये कि मैं पता होना चाहिए सहायक क्या होती है, द्विकर्मक क्या होती है, इस टाइप से। तो मैं क्योंकि ज़्यादा समझाऊंगा आपको, वही चीज़ हिंदी वाले को बोल के बतानी पड़ेगी, मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं उसको सहायक क्रिया बोलते हैं, वह खेल चुका है, जिस प्रकार की। तो बात वही आप अंडरस्टूड है, उसमें अपना भी टाइम सेव कीजिए, मेरा भी टाइम सेव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।